माँ बाप एक आस के साथ अपने बच्चे आया के पास छोड़ जाते हैं। उन्हें लगता है कि उनके बच्चे का पूरा ध्यान रखा जा रहा है, लेकिन क्या एक आया बच्चे का पूरा ध्यान रख रही होती है? ये एक सवाल उठता है। साथ ही किसी पर इतना विश्वास करना कि वे अपने जिगर का टुकड़ा आपके पास छोड़ जाए, ये भी बड़ी बात है। मामला मध्य प्रदेश के जबलपुर का है, जहाँ एक आया 2 साल के बच्चे की देखभाल के लिए बच्चे के माँ बाप के द्वारा रखी जाती है, लेकिन आया ने सारी हैवानियत को पार करके इस 2 साल के मासूम के साथ मारपीट की और ये पूरा मामला सीसीटीवी में कैद हो गया। अब सवाल उठता है कि आखिर बच्चे ने ऐसा क्या किया होगा जो आया को इतना गुस्सा आ गया कि बच्चे के साथ ऐसी हैवानियत कर डाली। वीडियो में साफ नजर आ रहा है कि कैसे एक आया बच्चे को पहले तो बालों से घुमा रही है और फिर उसे थप्पड़ मार रही है। इतना ही नहीं, वो बच्चे को पीठ पर एक मुक्का भी मार देती है। जो भी इस वीडियो को देख रहा है वो हर इंसान उस आया को बुरा भला बोल रहा है। वहीं सोशल मीडिया पर भी लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है और आया के खिलाफ सख्त से सख्त सजा की मांग लोग कर रहे हैं। वहीं पीड़ित मासूम बच्चे के पिता मुकेश ने पुलिस को बताया कि पिछले 1 महीने से उनका बेटा उदास रहता था, वो ठीक से खाना भी नहीं खा रहा था। इलाज के लिए उसे डॉक्टर के पास लेकर गए तो पता चला कि उसकी आंतों में इन्फेक्शन है। डॉक्टर ने इसकी हैरान कर देने वाली बात बताई, जिसे सुनकर उनके पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को इन्फेक्शन गुटखा, तंबाकू और जूठा खाना खिलाने से हुआ है। इसके बाद वो घर वापस आए और उन्होंने सीसीटीवी फुटेज को देखा तो उनके होश उड़ गए। आया उनके बच्चे को बेरहमी से पीट रही है, ठीक से बच्चे को खाना भी नहीं खिला रही थी। उन्होंने तुरंत इस घटना की सूचना थाने में दी, जिसके बाद पुलिस ने आरोपी रजनी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। जानकारी के अनुसार जबलपुर में करीब 4 महीने पहले एक परिवार ने चमन नगर निवासी रजनी चौधरी को 2 साल के बच्चे की देखरेख के लिए काम पर रखा था। माँ और पिता दोनों नौकरी करते हैं। घर पर 2 साल के बच्चे की देखभाल करने के लिए कोई नहीं था। आया की नियुक्ति के बाद सुबह 11 बजे माता पिता उसके लिए खाना बनाकर नौकरी पर चले जाते थे। इसके बाद आया रजनी चौधरी का 2 साल के मासूम बच्चे पर थर्ड डिग्री टॉर्चर शुरू हो जाता था। बच्चे की लगातार बिगड़ती हालत को देखते हुए माता पिता को रजनी के व्यवहार पर संदेह हुआ। उन्होंने कमरे में सीसीटीवी लगा दिया था। अब मासूम के पिता की शिकायत के बाद पुलिस ने आरोपी आया के खिलाफ हत्या के प्रयास का केस दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है।